अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम फिर आए हैं बर्ड्स शॉप पे और आज आप हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ये कबूतरों के बारे में। 3, 2, 1। और उमर भाई खड़े हमारे इस्तकबाल के लिए। अस्सलामुअलैकुम। सलाम उमर भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, खैरियत है उमर भाई? आपके पास तो माशाल्लाह बहुत परिंदे पड़े, तो मैं इंशाल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ मालूमात आपसे लूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। और चलो आज आप हमें बताएं आज कौन सी बर्ड्स के बारे में आप मालूमात दें। कबूतर के बारे में। अच्छा, कबूतर के बारे में। अच्छा माशाल्लाह ये कबूतर बैठे हुए हैं, तो आपको चेक करवाते हैं इसमें। अच्छा ये ताला ज़रा खोल लें तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई तो बताएं जी ये कौन से कबूतर है, क्या इसको नाम है? बोलते हैं येलो टेल। अच्छा इसको हम बोलते हैं येलो टेल, ये जो वाइट है और जिसकी टेल येलो है। अच्छा और वो दूसरा जो जिसने वो नॉर्विश है जी। नॉर्विश? हाँ। अच्छा उसका नाम नॉर्विश है। और ये जो ब्लैक और वाइट है इसको मुक्की बोलता है। अच्छा अच्छा, पुश्तो में हम क्या बोलते हैं इसको? हम उसको तूर स्पिनसराय। अच्छा तूर स्पिनसराय। तूर स्पिनसराय का मतलब है व्यूवर्स जो मतलब ब्लैक होता है ना और जिसका सर सफ़ेद हो, तो तूर स्पिनसराय हम पुश्तो में उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका देखिए आप, इसका जो सर है वो वाइट है और बाकी ब्लैक है ना, तो तोरा ब्लैक को बोलते हैं और स्पिनसराय वाइट हेड को हम बोलते हैं। और इसको बुखारा बोलता है। अच्छा इसको बुखारा बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये देखें जी, इसने तो कोई ताज सा पहना हुआ है। अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये नर है क्या? मादा है? ये मादा है। अच्छा मादा, इसको नजर आता है ये जो खुराक कर ले? कभी कभी आता है ऐसे, मैं किंचित थोड़ा थोड़ा काटता हूँ ना। अच्छा आप इसे काटते हैं? अच्छा माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स इसका जो हेड है बिल्कुल इसकी आंखें वो नज़र ही नहीं आती। ये भाई कह रहा है कि मैं इसको कैंची के साथ इसके जो पर है वो काट लेता हूँ। अच्छा उमर भाई इसकी क्या प्राइस है? इसका 4000। 4000 पे है। अच्छा और ये मतलब आम कबूतर की तरह इंसान रख सकता है कि नहीं? ये उड़ के चले जाते? नहीं जाते, ये कुला छोड़ो। कुला छोड़ो। अच्छा ये कुछ बीमार सा मुझे लग रहा है। नहीं बीमार नहीं है, फ्रेश है। अच्छा, अच्छा मोल्टिंग में है मेरे ख्याल में फिर। अच्छा और इसको क्या बोलते हैं? इसको ये जो येलो टेल है, येलो टेल उसको बोलते हैं? इसको येलो टेल बोलता है। अच्छा येलो टेल। अच्छा ये देखिए जी, अल्लाह ताला की कुदरत देखें और इसके जो पर हैं टेल वाले वो आप चेक करें, बाकी शिकायत और इसके जो पर हैं वो ब्राउन कलर में। इसमें और कलर्स भी होते हैं कि नहीं सिर्फ इसमें ये? और कलर्स भी होते हैं। अच्छा और कलर्स भी होते हैं, कौन कौन से कलर्स इसमें होते हैं? इसमें ब्लैक टेल भी होता है, वाइट टेल भी होता है। अच्छा ब्लैक टेल, वाइट टेल और ये गोल्डन टेल, ब्राउन कलर भी होता है इसमें। अच्छा ब्राउन भी, ये तो मतलब ब्राउन सा है ना कि नहीं? ये ब्राउन है, ये येलो और ब्राउन ये मिक्स है। अच्छा ये मिक्स है। अच्छा इसका पेयर किस रेट? 5000 का जोड़ा है। 5000 पर पेयर। और वो जो आगे बैठा है उसको नॉर्विश बोलते हैं? उसका नॉर्विश बोलते हैं। अच्छा वो पेयर क्या? वो 10000। अच्छा 10000, वो बहुत महंगे नहीं है? बस कभी कभी ये 30000 पे होता है, कभी कभी ये 10000 पे होता है। अच्छा इसमें मिकपाई जो होता है ना, मैंने मिकपाई के बारे में भी सुना, तो वो मिकपाई इससे महंगे होते हैं कि नहीं सस्ते होते हैं? मिकपाई से सस्ता है। मिकपाई से सस्ता है? हाँ। अच्छा मिकपाई तकरीबन 16000-17000 पे जोड़ी मिलता है, ये 10000 पे मिलती है। 10000 का जोड़ा मिलता है कि एक मिलता है? जोड़ा मिलता है। तो मिकपाई फिर महंगे हो गए ना? मैं फिर मिकपाई महंगा है ना, मिकपाई महंगा। हाँ। अच्छा आप समझे कि आप कह रहे हैं कि वो सब। और ये तो आम कबूतर है ना, ये जो ऊपर बैठे रेसर है? अच्छा ये रेसर है, वही वो जो लोग मतलब उड़ाते हैं, वो बाजी वगैरह जो खेलते हैं, इसकी क्या खसूसियत है ये रेसर की? कोई खसूसियत नहीं, बस शौक है। अच्छा इसका स्टेमिना मेरे ख्याल में ज़्यादा होता है ना? अच्छा असल में व्यूवर्स माइंड ना करें, क्योंकि उमर भाई के जो ये बेसिकली पठान है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत हिचकिचा लेता है ना, तो वो बेचारा कोशिश कर लेता है कि हमें समझा सके, अपने व्यूवर्स को समझा सके, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी बहुत गलती हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। अच्छा और ये वाला उमर भाई ये भी रेसर है? अच्छा ये भी रेसर है। अच्छा मैंने रेसर के बारे में सुना है कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से भी घर पहुँच जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा अच्छा आपको पता है व्यूअर्स, हम आपको अभी उमर भाई इनका ज़रा खुराक दिखाएं।
और ये क्या चीज ऊपर जो पड़ा ये आप दिखा सकते हैं? ये कबूतर के लिए है। अच्छा, इससे क्या होता है? ये जब कबूतर उड़ जाए ना तो हम ऐसे पकड़ता है इसको। अच्छा, ये कैचर है? ये कैचर है, कैचर। अच्छा, इसमें जख्मी तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये धागे का बना हुआ है, नरम धागे का। अच्छा, इसमें ये फंस जाता है, ये कैचर है कबूतरों का। अच्छा, इसका खुराक? इसका खुराक जो है हमारे साथ मिलता है, ये मिक्स है। अच्छा, इसमें तो मेरे ख्याल में ये चावल है, दाल है, एक मिनट दिखाएं ज़रा, और ये चना है, और मूंग है, बाजरा है, और गोख है, और बाकी गंदम भी है, गंदम भी पड़ा है, और मकई की दानी भी है। अच्छा, और ये जो ये मेरे ख्याल में दाल है ना, ये वाला भी वो दाल है, मसूर की दाल है मेरे ख्याल में। तो माशाल्लाह, ये तो बस काफ़ी चीज़ें इसमें आपने मिक्स की है, इसके साथ इसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी ना। अच्छा, ये पर आप किस रेट से सेल करते हैं पर केजी? ये तकरीबन 150 से 180। 150 से लेके 180? हाँ, क्या बचा है 150 और 180 में? लोकल भी आता है और इम्पोर्ट भी आता है। अच्छा, इम्पोर्ट जब सही क्वालिटी वाला आता है तो हम 200। अच्छा, क्वालिटी वाइज। अच्छा 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 अच्छा। और ये बाकी जो जितना खुराक पड़ा है ये आप देख सकते हैं, ये तोतों का है अभी, इसमें सूरजमुखी और ये खोरतम और बाजरा और डिफरेंट चीज़ें, ये इस तरह उसका है, कबूतरों का है, और ये फीड है, ठीक है जी। और ये कुछ पता नहीं इस दाने का क्या नाम है, ओह ओह। अच्छा, ये ओह है। अच्छा, और ये बाजरा, ये बोरियों में पड़ा हुआ है तकरीबन, ये ख़त्म हो चुका है। और साथ में ये लोग ये डिफरेंट पिजन्स की जो मतलब विटामिन है, कैल्शियम का वो है, और साथ में वो हो गया पेनाडॉल वगैरह बीमारी वगैरह के, ये इनके साथ सारी मेडिसिन भी मिलते हैं आप देख सकते हैं। ये टाइगर कूटक्स वगैरह लगाते हैं कि इसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो उसके अंदर कबूतरों के प्रो, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कीड़े वगैरह आप बस यही समझ लें, तो उसके लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। और ये देखें इसके डिफरेंट विटामिन्स हैं, मेडिसिन वगैरह, तो बस यही कुछ है। तो इंशाल्लाह उमर भाई, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। और व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। और मैं बिल्कुल किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं उमर भाई की प्रमोशन कर रहा हूँ, ये सामने बैठे हुए हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल उमर भाई हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी उमर भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।